कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है, राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है। ये जरूरी हो गया है कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के पूर्व छात्रों पर कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर राजद्रोह का मुकदमा चलेगा। 28 फरवरी को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्हैया के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने कहा था कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए। उस समय दिल्ली सरकार ने चार्जशीट दाखिल करने को मंजूरी नहीं दी थी। तब से मामला अटका हुआ था। पिछले दिनों दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिखा और कन्हैया कुमार समेत अन्यों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की फिर से अनुमति मांगी। केजरीवाल सरकार ने स्पेशल सेल को अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद कन्हैया कुमार का जवाब आया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों आग्रह है कि इस केस को अब वो गंभीरता से लें और फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए। सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि ये मामला तब का है जब 9 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी के वीडियो सामने आए थे। 12 फरवरी को JNU के तत्कालीन शास्त्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली सरकार की मजिस्ट्रेट जांच के बाद 2016 में कन्हैया को रेगुलर जमानत दे दी गई। 2018 के पहले महीने में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने चार्जशीट को मंजूरी नहीं दी। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने अपने रुख में बदलाव किया है। उसने दिल्ली पुलिस को राजद्रोह के लिए मंजूरी दे दी है। इस सब पर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे इल्जामों पर बात की और कहा कि कोर्ट में सुनवाई से साबित हो जाएगा कि सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से कराया जा रहा मीडिया ट्रायल झूठा और राजनीतिक से प्रेरित है। यहाँ पे देशद्रोह का मुकदमा दायर हो गया। रांची आया देशद्रोह का मुकदमा, मतलब मंजूरी मिल गई केस चलाने के लिए। सबसे पहले तो हम दिल्ली सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इस पे जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि हमने देश के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। हम चाहते थे कि अदालत में जो है ट्रायल हो और अदालत में ट्रायल के लिए अनुमति दी गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऐसे मौके पे दिया गया है कि उससे हर किसी को ये समझ में आ रहा है। पहली बार मुकदमा में चार्जशीट तब हुआ जब हम चुनाव लड़ने वाले थे, और अभी फिर से जो है बिहार का इलेक्शन होने वाला है। कल ही हमने पटना में शानदार रैली की है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ NDA की गवर्नमेंट है, जहाँ BJP है, और उस सरकार ने NPR और NRC के खिलाफ विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया है। तो आसानी से इस बात को समझा जा सकता है कि शुरू से ही इस मामले में राजनीतिक लाभ के लिए ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है वो रचा गया है, राजनीतिक लाभ के लिए इसमें टालमटोल किया गया है। लेकिन अब जब इसमें अनुमति दी गई है, हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, ताकि देश को पता चले कि कैसे देशद्रोह जैसे राजद्रोह जैसे कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरीके से दिल्ली में दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर FIR करने की जब अनुमति दी, कहा एक जज ने कि आप FIR कीजिए, उनका रातों रात तबादला हो जाता है। कैसे लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के साथ हथियार के साथ पकड़े जाने वाले देवेंद्र सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होता है, और कैसे कर्नाटका में स्कूल के 8 साल और 10 साल के बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। ये जरूरी हो गया है कि देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और हम जानते हैं कि देश के खिलाफ कोई नारेबाजी हमने नहीं की है। नारा हम लगाते हैं देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए। अब TV वाले आपकी अदालत की जगह जो है संविधान वाली अदालत में इसका फैसला होगा, इसको इसका न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और हम शुरू से कहते हैं कि हमको कोर्ट पर भरोसा है, और इस मामले में कोर्ट न्याय सुनिश्चित करेगी, सत्य की जय होगी, सत्य में जय। ठीक है, आपने टाइमिंग की बात की, आपने दिल्ली सरकार इनकार करती रही है और आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार भी केंद्र के साथ कहीं ना कहीं मिल रही है? देखिए, कानून की प्रक्रिया ये कहती है कि किसी भी मामले में 90 दिन के भीतर चार्जशीट दायर होना चाहिए। आप सब जानते हैं इसमें कई महीने लगाए गए,
कई महीनों के बाद जो है कई साल लगाए गए हैं परमिशन देने के लिए, और टाइमिंग पे सवाल उठना स्वाभाविक है। ये चार्जशीट तब फाइल हुआ जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, और अभी जब बिहार विधानसभा है और उसकी उससे ठीक पहले इस मुकदमा को चलाने की अनुमति दी गई है। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, और गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है, और अमित शाह के बेटा को BCCI का सेक्रेटरी बनाया गया है, और हमारे जो घर के बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको जो है डंडा पत्थर उनके हाथ में थमा करके उनको जो है दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल जब हम घूम घूम करके बिहार के गाँव में लेके गए, और उस जन दबाव के चलते BJP को भी NPR और NRC के समर्थन में प्रपोजल पास करना पड़ा, तो टाइमिंग पे सवाल उठना स्वाभाविक है। हम अननेसेसरी जो है इफ और बट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अब जब फैसला आया है तो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके स्पीडी ट्रायल करके तुरंत इस पे जो है न्याय को सुनिश्चित किया जाए। कन्हैया एक सवाल आता है, आप कह रहे हैं कि हमारे जो यात्रा को हमारे द्वारा जो निकाला गया उसके बाद BJP जनगणमन उसके बाद जो है नीतीश कुमार की जो सरकार है वो पारित हुई, और तेजस्वी अपना राग अला रहे हैं, आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी यात्रा के दबाव में, ये तो हमने बोला ही, हमने ये कहा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर BJP की सरकार है, BJP भी उसमें है, और NPR और NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया, ये अपने आप में देश में पहली चीज हुई है, और उसके लिए हम लोग और हमारे जैसे लाखों लोगों की मेहनत है, विपक्ष की भी उसमें भूमिका है, आम जन की भी भूमिका है, जो लोग दिन रात धरने पर बैठे हैं उनकी भी भूमिका है। मैं कोई अपना पर्सनल हीरोइज्म नहीं कर रहा, लेकिन आप ये देखिए कि कितना राजनीतिक दबाव है और कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जाता है राजनीतिक लाभ, उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि आप देखिए कपिल मिश्रा के ऊपर FIR करने को कहा माननीय उच्च न्यायालय, FIR नहीं हुआ, जज साहब का तबादला हो गया, देवेंद्र सिंह पे जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और आप देखिए कि स्कूल के 8 साल 10 साल के बच्चे, ये देश को जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के लोगों की जो देशभक्ति की भावना है उसका किस तरीके से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है ये सरकारें, जो देश की जनता को उनके बुनियादी सवालों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फर्जी बहस, फर्जी मुकदमा, फर्जी वातावरण तैयार किया जाता है। हम चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा ख़त्म हो, इसीलिए हम इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, और ये जो मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है उसका स्वागत किए हैं, और कई बार हमको ये पूछा गया, और मैं आपको ये बता दूँ आज से 2 दिन पहले ही BJP की एक नेता का PIL था जिसको माननीय हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजेक्ट किया है कि नहीं इस मामले में हम कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो होगा ना कि अब वहाँ सबूत रखे जाएंगे, बहस होगी और सबूत पे बात होगी, कोई भी मुंह उठा करके किसी को भी देशद्रोही नहीं बोलेंगे। और हम जानते हैं कि हमने नारेबाजी नहीं की, हमने नारा नहीं लगाया, और आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि चार्जशीट में मेरे ऊपर चार्ज क्या है कि हमने नारा नहीं रोका, हमने नारा लगाया, हमने तो यह चार्जशीट अभी तक पढ़ा नहीं है, हमने नारा नहीं रोका, बाप का कहा हुआ बेटा नहीं मानता है, मेरे कहने से जो है देश चलेगा। लेकिन कन्हैया जी नारा तो अभी तक कौन नकाबपोश लोग हैं, हर मामले में ये नकाब कहाँ से आ जाता है, JNU में नकाब लगा करके लोग हॉस्टल में हमला कर देते हैं, हॉस्टल की तोड़फोड़ करते हैं, प्रेसिडेंट का सर फोड़ देते हैं, हम जब जनगणमन यात्रा निकाल रहे थे तो नकाब पहन करके पत्थरबाजी कर रहे थे, गोड से जिंदाबाद लगा रहे थे, ये लोग इनकी नज़रों में जो है देशद्रोही नहीं है, और जो लोग रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा है वो इनकी नज़रों में देशद्रोही है। तो हम समझ चाहते हैं कि जनता को इसकी जानकारी हो, सच लोगों के सामने आए, और एक बात और है कि ये जो है ना मुकदमा और कोर्ट और जेल इन चीज़ों से घबरा करके हम हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम हक की लड़ाई जारी रखेंगे। JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद, जिन पर भी ये मुकदमा डाला गया है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली सरकार की हमारे खिलाफ राजद्रोह के मामले को मंजूरी देने की खबर हमें परेशान नहीं करती है, हम अपनी बेगुनाही के प्रति आश्वस्त हैं, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं और खुद अदालतों में मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। आगामी परीक्षण हमें प्रेरित करेगा कि सत्तारूढ़ शासन के इशारे पर मीडिया परीक्षण गलत, दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित था, हम लंबे समय से इन झूठे आरोपों की छाया में रहते हैं, अंत में सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
अब देखना ये होगा कि कन्हैया पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सच साबित होते हैं या झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।